अच्छी खबर से चालू करते हैं। BGMI might return. Yes, I am Mobile India का अगर आप ऑफिशियली इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए महीने के अंदर नए साल की शुरुआत। हाँ तो भाइयों, फाइनली वो बड़ी न्यूज आ गई है जिसको देखकर और सुनकर आप चैन की सांस लोगे, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर साथ में गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ तक कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की तरफ से भी गेम की अनबैन न्यूज हमें देखने को मिल गई है। तो रिसेंटली जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज हमें देखने को मिली है BGMI के अनबैन से रिलेटेड, साथ में गेम की अर्ली एक्सेस से रिलेटेड और साथ में आप सभी के जितने भी क्वेश्चन थे BGMI के प्री रजिस्ट्रेशन से लेकर गेम के ट्रेलर तक, वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ BGMI के ट्रेलर के बारे में। ओके, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो BGMI से रिलेटेड या फिर BGMI की कोई भी गुड न्यूज से रिलेटेड कुछ भी बताने से पहले मैं आपको BGMI के 2.4 के अपडेट के बारे में बता दूं। तो अगर आपको BGMI को 2.4 में अपडेट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे BGMI 2.4 अपडेट डाउनलोड। देन ऐसा सर्च करने के बाद आप वहां पे पहली वेबसाइट या फिर कोई भी रैंडम वेबसाइट से BGMI को डाउनलोड कर लोगे, उसकी APK फाइल साथ में OBB फाइल को भी। और फाइल्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने BGMI को 2.4 में अपडेट कर लिया, जिसके अंदर आपको न्यू कंपेनियन साथ में अपडेट वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, और होगा ये कि भाई आपकी जो गेम है वो तो पुराने वर्जन में ही चलता रहेगा, लेकिन एक दो दिनों के बाद ही आपकी जो BGMI ID है वो परमानेंटली बैन हो जाएगी, और बैन भी उस टाइम पर होगी जब BGMI खुद ही कुछ दिनों के अंदर अनबैन होने वाला हो। तो भाई ऐसी गलती मत करो, BGMI के अंदर तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर 2.4 का अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी भी अगर आपको वेबसाइट दिखती है, लिंक दिखती है या फिर टेलीग्राम चैनल्स वगैरह होते हैं जो 2.4 अपडेट करवा रहे हैं BGMI को, तो भाई उन फाइल से आप दूर रहो, उनको डाउनलोड मत करो, ID वगैरह बैन हो जाएगी, साथ में आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो भी हैक वगैरह हो सकता है, आपके नंबर वगैरह लीक हो सकते हैं। तो भाई ऐसा रिस्क आप मत लो, BGMI को 2.4 में अपडेट करने की कोशिश कहीं से भी मत करो। बाकी रही बात BGMI के अलावा PUBG मोबाइल की, तो भाई PUBG मोबाइल के अंदर आपको आज के दिन अपडेट देखने को मिल जाएगा 2.4 वाला प्ले स्टोर पर। अगर इंडिया के बाहर से आप वीडियो देख रहे हो तो आपको प्ले स्टोर पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी PUBG के 2.4 अपडेट की ऑफिशियल वेबसाइट वाली लिंक मैं आपको हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो चेके आप चेकआउट कर लेना। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे BGMI से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज के बारे में। आप सभी को ये याद होगा कि भाई कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी को एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया था कि आज तक जो न्यूज चैनल है उनकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल रिलीज हुआ है, और उस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि भाई भारत सरकार BGMI पर लगा हुआ बैन जल्दी ही हटा सकती है, रिमूव कर सकती है। लेकिन आज से कुछ दो दिन पहले दिल्ली के एक न्यूज़पेपर शायद पत्रिका है, वहाँ पे एक आर्टिकल आउट हुआ है, और इस आर्टिकल को अगर आप देखोगे तो इसकी हेडलाइन है लिखा हुआ यहाँ पर कि भाई इस महीने हट सकता है BGMI पर लगा हुआ बैन। मेरे हिसाब से तो न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी न्यूज आती है तो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती है उस न्यूज के होने की, क्योंकि एक बार के लिए तो हम मान सकते हैं भाई जो ऑनलाइन न्यूज वगैरह होती है, ऑनलाइन न्यूज के जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो क्लिकबेट करते हैं या फिर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए ऐसी न्यूज वगैरह देते हैं। लेकिन जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, अब ये मेरा मानना है कि भाई वो न्यूज तभी देते हैं जब उसकी होने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर आप इस आर्टिकल को पूरा भी पढ़ोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई भारत सरकार BGMI पर लगा हुआ बैन हटा सकती है, क्योंकि इस बार BGMI पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कमबैक करेगा, साथ में उसकी जो डेटा सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी के जो भी कंसर्न वगैरह थे वो क्राफ्टर ने सॉल्व कर दिए हैं, तो इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि भाई गेम कमबैक कर सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर हमें गेम्स के अंदर, जो कि सारे ऑनलाइन गेम्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर हमें एक ई वेरिफिकेशन टाइप कुछ देखने को मिलेगा, जिसको गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही लागू करने वाली है। अब इसके अंदर ऐसा होगा कि भाई आपको कुछ ना कुछ अपनी गवर्नमेंट ID प्रूफ देनी पड़ेगी गेम खेलने से पहले। फॉर एन एग्जांपल, जब आप गेम इंस्टॉल करोगे, जब आप लॉगिन करने वाले होंगे, तब वो आपसे आधार कार्ड मांग सकते हैं एज अ गवर्नमेंट ID प्रूफ, जिससे वो आपकी एज वगैरह डिटेक्ट कर ले, साथ में उनके पास भी एक प्रूफ रहेगी भाई इस गेम को कौन कौन खेल रहा है। बाकी ये जो चीज है वो इस महीने से ही स्टार्ट हो सकती है, और मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि भाई ये जब स्टार्ट हो जाएगी उसी के बाद हमें गेम देखने को मिलेगा। और अगर आप पूछो कि भाई ये ई वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो भाई गवर्नमेंट के हिसाब से ये 15 से 17 तारीख के बीच में स्टार्ट हो सकता है, डेट वगैरह थोड़ा चेंज भी हो सकती है। तो जब भी ये स्टार्ट होगा, मेरा मानना ये है कि भाई BGMI उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा। बाकी बात करें इसके अलावा और भी न्यूज के बारे में, तो भाई काफी ज्यादा ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्राइंडिंग स्टार्ट कर दी, BGMI को खेलना स्टार्ट कर दिया है। उनका ये मानना है कि भाई गेम उम्मीद से पहले ही आ रहा है, और उससे पहले वो ग्राइंडिंग स्टार्ट कर दे ताकि जब भी गेम आ जाए तो वो उसको ई स्पोर्ट्स में बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे सके। बाकी एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिनका नाम नियो है, उन्होंने रिसेंटली अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी, वहां पर एक फोटो थी और साथ में लिखा हुआ था कि आफ्टर हियरिंग BGMI इज कमिंग, और फोटो के अंदर वो अपनी ई स्पोर्ट्स टीम की जर्सी में थे। तो भाई मेरा ये मानना है कि भाई गेम को इतने बाद भी नहीं आना था, तो भाई क्राफ्टन वाले साफ साफ मना कर सकते थे कि भाई गेम की होप छोड़ दो, BGMI नहीं आएगा। क्राफ्टन की तरफ से या फिर क्राफ्टन के CEO की तरफ से हमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए था अपने सारे BGMI फैंस को थैंक्स बोलने के लिए अभी तक के सपोर्ट के लिए, बाकी BGMI से अलविदा कहने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, कोई ना कोई रोज आके ऐसा BGMI के अनबैन की न्यूज दे रहा है, कोई ई स्पोर्ट्स प्लेयर है या फिर कोई गूगल का बंदा है जो कि आके बोल रहा है कि भाई BGMI अनबैन हो जाएगा। अभी सब आपके ऊपर, आपको किस बात को सच मानना है किसको नहीं मानना। मेरा पर्सनली ये काम है कि आप सभी को सारी
इन्फॉर्मेशन देना जो भी रिसेंटली हुए हैं। बाकी जो सही वाली और जेन्युइन न्यूज होगी वो मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। बाकी सब्सक्राइब आपने इसीलिए कर रखा है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई कर लो, 30 के सब्सक्राइबर्स बस होने वाले। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो, वीडियो को लाइक है 250 यानी कि 250, तो होप आप सभी कंप्लीट करवा दोगे। बाकी कुछ टेक चैनल्स है जिन्होंने भी बीजीएमआई के अनबैन के बारे में बोला है, तो भाई उनको भी आप सुन लो। आ सकता है बीजीएमआई, मुझे पता है बहुत सारे लोग रुके हुए बीजीएमआई वापस आने के लिए। अब दोस्तों, जो एक गूगल में एम्प्लॉई थे और फिर बाद में कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे थे, गलती से उन्होंने बता दिया लाइव स्ट्रीमिंग में ही कि यस बीजीएमआई में रिटर्न बैक बाय जनवरी 15। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि दिस इज नॉट अ कंफर्म न्यूज, बट स्ट्रॉन्ग चांसेस डेफिनेटली है कि जनवरी में बीजीएमआई आ सकता है। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का अगर आप ऑफिशियली इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए, तो बताया जा रहा है कि 2023 इसी महीने के अंदर नए साल की शुरुआत में ही आपको ये गेम मिल सकता है, प्ले स्टोर में आ जाएगा, फिर आप उसको ऑफिशियली खेल सकते हैं। तो होप आपने वीडियो यहां तक नहीं देखी होगी, और अगर आपने यहां तक देखी तो भाई प्रूफ दो कमेंट में ग्लैक्स और पीला दिल लिखकर, और बीजीएमआई के बारे में या फिर 2.4 के अपडेट के बारे में आपको कुछ भी बोलना है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बेशक बोल सकते हो। नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, सब्सक्राइब वगैरह आप कर लो, 30 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। और हाँ, जो भी क्लिप्स वगैरह मैंने यूज किए उन सभी के क्रेडिट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, तो उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।